दोस्तों आज मैं बेल्ट वाली फोर डॉट या फिर कहें सिंपल ब्लाउज को बनाने का तरीका शेयर करने जा रहा हूँ। इस ब्लाउज को हम टोटी टेस्ट के हिसाब से बनाएंगे, जिसमें पीछे का गला 11 इंच खुला रहेगा और सामने का गला 6.5 इंच खुला रखेंगे। इस ब्लाउज को काटने के लिए हम 75 सेंटीमीटर कपड़ा ले रहे हैं। इस ब्लाउज की लंबाई 14 इंच बनानी है तो 1 इंच ज्यादा 15 इंच पर मार्क लगाएं। फिर दूसरा मार्किंग आर्म होल के लिए 5.25 इंच पर लगाएं। उसके बाद इस पर लाइन खींच लें। जब पीछे का गला 11 इंच खुला हो तब 34 इंच चेस्ट के लिए शोल्डर का निशान 5 इंच पर लगाएं। अब बारी आती है चेस्ट की, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण नाप है। इसे गले की गहराई के हिसाब से सेट करना पड़ता है। इस ब्लाउज में पीछे का गला 11 इंच खुला बना रहे हैं तो इसके चेस्ट को हमें 1 इंच टाइट करना पड़ेगा। जैसे 34 इंच इसका चेस्ट है उसे हमें 33 बनाना होगा, तो हम 33 का चौथा भाग 8 इंच लेंगे। लेकिन ये फार्मूला सब ब्लाउजों में काम नहीं करता है। हमारे किसी भी वीडियो को मिस मत कीजिए, आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। क्रॉस बैक का निशान 5.5 इंच पर लगाएंगे और इस प्रकार से एक लाइन खींच लेंगे। अब फ्रेंच कर्व की सहायता से यहां पर राउंड शेप बना लेंगे। इस ब्लाउज का कमर 29 इंच है तो उसका चौथा भाग 7.25 इंच पर यहां पर निशान लगाएं और 1.25 इंच डांट के लिए एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। अब इसे चेस्ट से मिला लेंगे और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन भी ऐड करेंगे। अब इसके बाद 2.5 इंच शोल्डर की चौड़ाई के लिए मार्किंग करेंगे और इधर थोड़ा डाउन करेंगे। 11.5 इंच पर यहां गले का निशान लगाएं। उसके बाद गले के जो भी शेप देना है दे दीजिए। इस प्रकार से पीछे पल्ले की ड्राइंग पूरी हो जाती है। अब इसे काट लेंगे। अब इसके बाद डांट की मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए हम यहां पर 0.25 इंच तिरछा इस प्रकार से काट लेंगे। दोस्तों इस प्रकार से पीछे पल्ले की कटिंग पूरी हो जाती है। अब चलते हैं सामने के पल्ले में। सामने के पल्ले में आने के बाद सबसे पहले एक लाइन कुछ इस प्रकार से खींचो। उसके बाद 3 पॉइंट या 1 सेंटीमीटर पर एक लाइनर खींचेंगे उखाई के लिए। फिर इस हुक आई के लाइन से 9.5 इंच पर एक निशान लगाएं और इस पर लाइन खींच लें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये निशान किस हिसाब से खींचा है, तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ चेस्ट के चौथे भाग में 1 इंच प्लस किया है। इसका चेस्ट 34 इंच है तो उसका चौथा भाग 8.5 इंच होगा, उसमें मैंने 1 इंच प्लस किया है। जब भी आप डांट वाली ब्लाउज बनाएं तो यही फार्मूला उपयोग में लाएं। अब इस लाइन पर पीछे का पल्ला रखें इस प्रकार से। उसके बाद इस प्रकार से मार्किंग करते जाएं और ये मार्किंग यहां तक करनी है। अब यहां पर देखिए इस पीछे पल्ले से 3 पॉइंट ऊपर एक लाइन खींचे। अब यहाँ ध्यान दें सामने का गला 6.5 इंच खुला रख रहे हैं तो इसके लिए शोल्डर का निशान 5.25 इंच पर लगाएं। अब पीछे पल्ले को सरका कर इस निशान तक ऐसे लाएं। उसके बाद हमें शोल्डर से निशान लगाते हुए यहां तक निशान लगाएंगे। ये देखिए यहां पर हमें एक गैप मिला है जिस पर हम आगे चलकर डांट बनाएंगे। अब इसके बाद सबसे पहले एक सीधा लाइन कुछ इस प्रकार खींचे। अब ठीक 0.25 इंच अंदर दूसरा लाइन कुछ इस तरह से खींचे। ये क्रॉस फ्रंट कहलाता है। अब इसके बाद हम फ्रेंच कर्व की सहायता से कुछ इस प्रकार से गहरा करेंगे।
सामने पल्ले का शोल्डर पीछे पल्ले से क्वार्टर इंच डाउन काटा जाता है, कुछ इस तरह से। सामने का गला 6.5 इंच खुला रखना है तो 7 इंच पर निशान लगाएं। और इसके बाद गले को जो शेप देना है दे दीजिए, हम यहाँ त्रिकोण शेप दे रहे हैं। अब यहाँ तक की कटिंग तो बहुत ही आसान थी, मगर आगे का प्रोसेस थोड़ा ध्यान से देखिए। इसका बस्ट हाइट 9.5 इंच पर आता है, इस 9.5 इंच को ऊपर से नापते हुए यहाँ पर निशान लगाना है। इस लाइन के ठीक नीचे 3.25 इंच पर एक और लाइन खींच लें। ध्यान रखिए मैंने जो लाइन खींचा है वो अलग अलग नाप में कम या ज्यादा हो सकता है। हमारे वीडियो को रेगुलर वॉच करते रहिए, धीरे धीरे करके हम सभी नापों को एक्सप्लेन करेंगे। अब इस लाइन पर 3.5 इंच पर एक निशान लगाएं। ये बस्ट का सेंटर कहलाता है। इसके बाद एक लाइन कुछ इस प्रकार से खींच लें। अब यहाँ पर हमें 1.5 इंच का एक डांट बनाना है जिसमें ये लाइन सेंटर पर आएगी। देखिए इस प्रकार से। ये हमने 1.5 इंच का डांट लगा लिया है। ये डांट की चौड़ाई उनके लिए है जिनका बस्ट उभरा हुआ है, लेकिन बस्ट में उभार ज्यादा नहीं है तो इसे 1/4 इंच से 1/4 इंच तक कम कर सकते हैं, उसे हम 1/4 इंच बना सकते हैं अगर बस्ट का उभार कम हो तो। अब देखिए इस लाइन से बस्ट के सेंटर तक ठीक बीच में थोड़ा ऊपर एक पॉइंट बनाएंगे और उतनी ही ऊंचाई पर इस तरफ दूसरा पॉइंट बनाएंगे। अब इस पॉइंट से ठीक ऊपर इतनी ही दूरी पर एक और पॉइंट बनाएंगे। तो फ्रेंड हमें इस प्रकार से 4 पॉइंट मिल गए हैं जिस पर हमें 4 डॉट बनाने हैं। पहला डॉट हम यहां लगाएंगे, ध्यान रखिए इस डॉट की चौड़ाई 1/2 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा डॉट हमारा सेंटर वाला है जो मुख्य डॉट कहलाता है। अब एक डांट जो एक गैप आया है ना उस पर बनेगा इस प्रकार से। अब ये डांट बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा मैं किस प्रकार से इसे क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए ब्लाउज की कमर से ये वाला भाग 1 या 1.5 इंच ज्यादा होता है, उसको हमें सेट कर लेना है। इस ब्लाउज का कमर 29 इंच है तो इसका चौथा भाग 7/4 इंच होगा, तो इस 7/7 में 1/4 इंच ज्यादा मतलब 7.5 इंच हमें डांट के सामने और पीछे के भाग को मिलाकर लेना होगा। देखिए यह डांट के सामने का भाग 2.5 इंच आ रहा है। अब इस नाप को पीछे डांट में रखें और 7.5 इंच पर निशान लगाएं। अब टेप लें, इसके बाद इसे नापिए। ये 5 इंच आ रहा है तो ठीक 1 इंच ऊपर 5 इंच पर एक और निशान लगाएं और इसे भी इस पॉइंट से मिला लें। अब इसके बाद इसके चेस्ट से इस निशान को स्केल की सहायता से मिला लें और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन भी खींच लें। यहां पर सामने डांट से 1/4 इंच तिरछा एक लाइन खींचे। अब इसे काट ले। सभी पॉइंट को पीछे की तरफ उभार ले। यह पल्ला बिल्कुल तैयार हो गया। अब बारी आती है बेल्ट की, तो सबसे पहले इस डांट को इस प्रकार से क्रिएट करें। ये देखिए ऐसे। ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसे काट लें।
अब पीछे का पल्ला लें और इस प्रकार से रखें। उसके बाद एक निशान इस प्रकार से लगा लें। देखिए हमें कितनी चौड़ी बेल्ट बनानी है ये पता चल गया है, इसे नाप लें। हमें 3.25 इंच की बेल्ट बनानी है। अब यहाँ देखिए हमें 3.25 इंच की बेल्ट बनानी है तो उससे 1 इंच ज्यादा मतलब 4.25 इंच पर निशान लगाएं। एक लाइन 1/4 इंच तिरछा इस प्रकार से खींचें। अब यहां से कमर के चौथे भाग पर निशान लगाएं और 2.5 इंच प्लस कर लें ऐसे। सामने के हिस्से को भी इस प्रकार से थोड़ा डाउन खींचें। सामने का हिस्सा जरूरी नहीं है इतना चौड़ा आए, इसे कम भी कर सकते हैं। अब सामने का पल्ला रखें और दांत पर एक निशान लगाएं और इस प्रकार से लाइन खींच लें और उसके बाद इसे काट लें। देखिए इस 4/4 ब्लाउज को अस्तर पर काट लिया है। इसके बाद हमें जिस कपड़े में बनाना है वो भी काट लेंगे और इसे आपको पूरा स्टिच करके दिखाएंगे। कृपया ध्यान से देखिएगा।
है।